ये गांव वीरान है। सालों बीत गए, यहां कोई नहीं आया। मंदिर में भगवान नहीं, घरों में इंसान नहीं। इस गांव का क्या राज है? नमस्कार, मैं हूं रितेश गौतम और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ डॉट इन। हमारे देश में ना जाने कितने रहस्य हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा रहस्यमय होते जा रहे हैं। न जाने कौन सा रहस्य कब इतिहास के पन्नों से दोबारा सामने आ जाए, किसी को पता नहीं रहता। और राजस्थान इन रहस्यों के लिए जाना जाता है। भानगढ़ का किला तो आपने सुना ही होगा, जहां पर शाम होते ही लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है और कहते हैं कि वहां पर भूतों का साया मंडराने लगता है। कुछ ऐसा ही होता है राजस्थान के गाँव में, जहां रात में लोगों को रुकने नहीं दिया जाता और कहते हैं कि वहां पर रात में आत्माएं आती हैं, भूत आते हैं और वो जगह सुनसान हो जाती है, क्योंकि उसका इतिहास बेहद डरावनी बातों से लिखा हुआ है। आइए आपको बताते हैं उस गांव की कहानी, यानी कि कुलधरा गांव। कभी ये गांव आबाद था, लेकिन आज ये गांव वीरान है। इस गांव में कोई नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि पहले ये गांव आबाद नहीं था। एक समय था जब यहां पायल की झनकार थी, बाजारों में रौनक थी, घरों में किलकारियां थी, मंदिरों में घंटियां बजा करती थी और मजारों पर अजान। कहते हैं कि आज से करीब 200 साल पहले ये गांव भी किसी और गांव की तरह सुंदर था और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात के अंधेरे में इस गांव की रिहाइश कुछ यूं गायब हुई कि 200 साल बाद भी यहां परिंदा भी पर मारने से डरता है। भारत का प्राचीन और अपनी रियासत के लिए मशहूर राज्य राजस्थान और जयपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर जैसलमेर, यहीं से शुरू होता है इस श्रापित और डरावने गांव का रहस्य। यहां से 18 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है ये श्रापित गांव कुलधरा। आज ये गांव बिल्कुल वीरान है। आप कह सकते हैं कि ये गांव बिना लाशों के ही कब्रिस्तान बना हुआ है, क्योंकि यहां आने से लोग डरते हैं। डर तो छोड़िए, आसपास के लोग तो यहां के बारे में जो कहानियां बताते हैं उसे सुन आप हैरान रह जाएंगे। रगों में दौड़ता खून मानो एक पल में जम जाएगा, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। कुलधरा एक श्राप है। कुलधरा गांव एक श्राप है, क्योंकि कहते हैं कि जो यहां पर 5000 से ज्यादा परिवार रहते थे वो एक ही रात में गायब हो गए और जाते जाते एक ऐसा श्राप दे गए कि जिसके बाद ये गांव आज वीरान है। ये कहानी जितनी आसान मालूम होती है, हकीकत में शायद उससे ज्यादा उलझी और रहस्यमयी है। आप यूं कह लीजिए कि आपके इलाके से अगर एक व्यक्ति लापता हो जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन जरा ये सोचिए कि अचानक पूरा इलाका ही रहस्यमयी तरीके से खाली हो जाए, या लापता जिसका कोई अता पता ना रहे, तो क्या कहेंगे आप? दरअसल इस कुलधरा गांव का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों के 5000 परिवार रहा करते थे और ये गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। इस गांव की आबादी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि कुलधरा गांव के आसपास के 84 गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की पर गांव के दीवान की गंदी नजर पड़ी और दीवान उसके लिए पागल हो गया। गांव का दीवान सालम सिंह एक अय्याश किस्म का इंसान था, जो किसी भी कीमत पर उस ब्राह्मण की बेटी को पाना चाहता था। और बस शैतान सालम सिंह से बचने के लिए और अपनी बेटियों को सुरक्षित बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को छोड़ने का फैसला लिया और एक रात ये गांव पूरी तरह खाली हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव वालों ने भी सालम सिंह के अन्याय से बचने के लिए गांव छोड़ने का फैसला लिया और एक ही रात में करीब 84 गांव एक ख्वाब की तरह आंखों से ओझल हो गए।
इस गांव में रहने वाले तो सभी लोग चले गए या गायब हो गए। जो भी हुआ उनके साथ वो अब भी एक पहेली बनी हुई है। गांव वालों ने जाते जाते इस गांव को एक श्राप दिया जो बना इस गांव के वीरान बनने का कारण। दरअसल जब गांव वाले जा रहे थे तो उन्होंने पूजा पाठ करके ये कहा कि आज के बाद ये गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा। गांव की कहानी को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब बात किसी के आबरू पर आ जाए तो कोई क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। इस गांव की कहानी ने हमें सब कुछ बता दिया। बहरहाल अब एक गांव वीरान है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है जो कुलधरा गांव में गौर करवाता है, और वो है इस गांव की बनावट, जो 200 साल पहले भी बिल्कुल आधुनिक तौर पर बनाई गई थी। चौड़ी गलियां, पक्के मकान और जो कमरे थे वो बिल्कुल एसी की तरह ठंडक देते थे। डर और रहस्य की इस दुनिया में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक श्राप कैसे पूरे गांव को खत्म कर सकता है। लेकिन ये कैसा श्राप था जो आज तक मौजूद है और इस गांव पर एक ताला सा लगा है। इस गांव में आपके साथ कुछ हुआ तो उसके सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। देखने में आज भी ये गांव बेहद सुंदर और साफ सुथरा है, जैसे कोई है जो इस गांव की सफाई करता है। वो कौन है ये कोई नहीं जानता और ना ही कोई बता पाया, लेकिन भूत प्रेत आत्मा और पिशाच की बातें जरूर की गईं। इस गांव की शुरुआत में एक मुख्य दरवाजा है जिससे होते हुए गांव का रास्ता तय किया जाता है। गांव के कच्चे रास्ते बेहद चौड़े हैं। इस गांव में हजारों मकाने हैं, वो भी ईंट और पत्थर से बने, जैसे आज आधुनिक जमाने में बनते हैं। इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहां कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इन घरों को इस तरह से बनाया गया था कि हवाएं सीधे घर के भीतर से होकर गुजरें। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास देते थे। गर्मियों के समय में यहां का तापमान 45 डिग्री को भी पार कर जाता है, लेकिन जब आप इन कमरे में जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। गांव के तमाम घर झरोखों के जरिए आपस में जुड़े थे, जिससे एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक आपकी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक और सीढ़ियां कमाल की थीं। फिलहाल अब ये गांव टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग यहां पे आते हैं और अपने साथ उन यादों को ले जाते हैं जो वहां पर वो खींचते हैं, यानी कि वो फोटोज। लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं कि आज भी उस गांव में कुछ आहट सुनाई देती है। उन पाली वाले लोगों की आवाजें आज भी सुनाई दे जाती हैं, जिसके बदौलत ये गांव आज भी वीरान रहने को मजबूर है। 18वीं सदी का ये वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे, वो गांव आज भी देखने को मिलता है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में कुलधरा गांव का इतिहास भले ही सामने ना आए, लेकिन रात के अंधेरे में ये कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। रात में कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है आत्माओं का संसार। आसपास के गांव वालों का कहना है कि यहां से अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहां जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। आसपास के लोगों का कहना है कि शाम 7 बजे के बाद यहां कोई नहीं आता। लेकिन अब टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। कुलधरा से पालीवाल ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कभी ना खत्म होने वाला श्राप। उस श्राप के बाद एक ऐसी गुत्थी ने जन्म लिया जो अब तक सुलझ नहीं पाई है। इस सच को समझने के लिए कई बार पड़ताल की गई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। पालीवाल ब्राह्मणों के जाने के बाद कई बार इस जगह को आबाद करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो पाया। किसी की मौत हो गई
तो कोई लापता हो गया। क्या हुआ उनके साथ कोई नहीं जानता। डर, रहस्य और भी जाने क्या क्या छिपा है इस राजस्थान में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और किस्से हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर